आज का मुख्य विषय जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ये जानकर आश्चर्य हो रहा है कि क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी दूसरे देश के साथ कोई करार या एमओयू कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा साहब ने लगातार कुछ ट्वीट किए, आज भी ट्वीट किया है, तो उसी ट्वीट के ऊपर आऊंगा, किंतु विगत जो ट्वीट थे नड्डा जी के, उन सभी ट्वीट्स ने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से एक्सपोज किया था। बुरी तरह से एक्सपोज किया था। आपको याद होगा 7 अगस्त 2008 का वो दिन जब बीजिंग में मां बेटे सोनिया जी और राहुल जी दोनों जाते हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण करार साइन होता है कांग्रेस पार्टी और सीपीसी द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में। देखिए वहां पर सरकार और पार्टी एक ही है, वहां किसी प्रकार की पार्थक्यता नहीं है, वहां किसी प्रकार का अलगाव नहीं है, एक ही पार्टी है और उसी की सरकार है, और सरकार से भी अधिक कोई महत्वपूर्ण है तो वो पार्टी है। तो उसके साथ जो करार साइन होता है, और मेरे पास, मैं दिखाऊंगा नहीं किस मीडिया हाउस का है क्योंकि बाकी सब मीडिया हाउस बराबर है, मेरे पास पेपर कटिंग है उस दिन का 7 अगस्त का, और आप देख सकते हैं क्या रिपोर्ट करती है उस समय तमाम मीडिया कि द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो प्रोवाइड्स द टू पार्टीज द अपॉर्चुनिटी टू कंसल्ट ईच अदर ऑन इंपॉर्टेंट बायलैटरल रीजनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स। देखिए कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी जाके चीन के साथ एक करारनामा साइन करती है और उसमें वो कहती है कि सारे इंपॉर्टेंट बायलैटरल रीजनल क्षेत्रीय और इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय विषय हैं, इन सभी विषयों पर हमारे आदान प्रदान होंगे, हम आपस में बातचीत करेंगे, आपस में सलाह मशवरा करेंगे। वाकई दिस इज एस्टॉनिशिंग, ये सरप्राइजिंग है। हमने भी उस समय कहा था और आदरणीय नड्डा जी ने भी उस समय कहा था कि ये सरप्राइजिंग है, इस प्रकार का करारनामा कैसे हो सकता है, और आज अगर मैं सही में कहूं तो आवर स्टैंड हैज बीन वैलिडेटेड, वी हैव बीन विंडिकेटेड। जो हमने कहा था आज सुप्रीम कोर्ट में कोई और नहीं बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ने बिल्कुल उन्हीं शब्दों को कहा है कि यह सरप्राइजिंग है। द कंट्री इज सरप्राइज्ड, द सुप्रीम कोर्ट इज सरप्राइज्ड, बट स्टिल द कांग्रेस पार्टी हैज नॉट एंसर्ड। और सबसे महत्वपूर्ण जिस विषय पर आदरणीय नड्डा जी ने भी देश को आकृष्ट किया था, ध्यान को उस ओर आकर्षित किया था, और यह सवाल बीजेपी ने भी पूछा था, आज पुनः उसे हम दोहराते हैं, और मीडिया उस समय लिख रही थी, दिस एमओयू वॉज टू बिल्ड अ स्पेशल रिलेशनशिप विद द कांग्रेस एंड द नेहरू गांधी फैमिली इन पर्टिक्यूलर, आई रिपीट, नेहरू गांधी फैमिली इन पर्टिक्यूलर दैट गोज बियॉन्ड द यूपीए गवर्नमेंट। मतलब यूपीए सरकार से परे जाते हुए गांधी परिवार के साथ चीन की सरकार और चीन कम्युनिस्ट पार्टी के बीच एक खास संबंध बने, इसलिए यह करार उसमें हस्ताक्षर हुए हैं। द डॉटेड लाइन्स वर साइंड by the mother and the son to build a special rapport between the Gandhi Nehru family and China's government and China's communist party. This speaks volumes. Iska arth bahut kuch hota hai. Aur bandhuo aapko yaad hoga, uske baad ek series of event hue. Uske baad jo Beijing mein Olympic hua, kis prakar Olympic mein desh ke, hamare desh ke, pradhan mantri to nahi gaye, magar Sonia ji gayi. Sonia ji VVIP ban ke gayi, unhe bulaya gaya is karar ke paschat. इस करार के पश्चात डोकलाम स्टैंड ऑफ जब चल रहा था तो राहुल गांधी जी चाइनीज टेंट के नीचे रंगे हाथ पकड़े गए थे और वो मना कर रहे थे, वो कह रहे थे मैं चीन के साथ नहीं हूं, मगर ये तो भला हो आप लोगों का, आप लोगों ने फोटो जारी कर दी और उन्हें मानना पड़ा। और लगातार तब से लेकर आज नड्डा जी ने जो स्पेशल विषय कहा है उस अपने ट्वीट में कि जो राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन आया, उस डोनेशन के आने के पश्चात जिस प्रकार से वाणिज्य को लेकर बहुत परिवर्तन यूपीए की सरकार में किया गया और लगभग 33% का एक ट्रेड डेफिसिट डेवलप हुआ हिंदुस्तान में राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा आने के पश्चात और 2014 तक जब तक यूपीए की सरकार थी, ये सब कुछ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, एक कॉन्स्पिरेसी के रूप में आज स्पष्ट नजर आ रहा है। द सुप्रीम कोर्ट is awestruck, the Supreme Court in fact is surprised, I would say that the country is surprised, we all are surprised,
And the national president of BJP, Mr. Nadda, has asked a rightful question. Will the conspirator in chief, that is the Congress party, the mother and son especially, will come out and answer this question? आज नड्डा जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कांग्रेस पार्टी से ट्वीट करके पूछा है, क्या राहुल गांधी और उनकी माताश्री आदरणीय सोनिया गांधी जी, जो कि षड्यंत्र के मुख्य कलाकार हैं, क्या वो बाहर आके इस विषय पे अपने वक्तव्य को रखेंगे? वी डेयर देम एंड वी चैलेंज देम. इफ देयर कॉन्शियंस इज क्लियर, दे शुड कम आउट टू द ओपन एंड दे शुड टेक क्वेश्चंस. एंड इफ दे हैव समथिंग टू हाइड, ऑफ कोर्स एज यूजुअल दे विल नॉट स्पीक. बहुत बहुत धन्यवाद.